शौक को करियर फिर उसे स्टार्टअप का रूप देकर रायपुर की पूर्णिमा जोशी आज बोनसाई ट्री का बिजनेस कर रही हैं। उन्होंने अपने शौक को स्टार्टअप का रूप दिया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए इसे बेचने लगी। अब वह इससे अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। बोनसाई ट्री की अच्छी खासी डिमांड भी है। उनके पास 3 इंच से लेकर 60 इंच तक के बोनसाई ट्री हैं, जिसकी कीमत 300 रुपए से लेकर लगभग 40,000 रुपए तक है। इनकी बिक्री भी खूब ज्यादा होती है। अभी जो हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है वो 3 इंच के बोनसाई से वो 500 की रेंज से स्टार्ट होते हैं और लगभग 30-40,000 रेंज तक के बोनसाइज हमारे पास हैं, जो 60 इंचेस तक जाएंगे, जिनका एज भी बहुत ज़्यादा होगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये तो 500 से लेकर आप मान के चलिए 50,000 तक का सारा रेंज अवेलेबल है। पूर्णिमा ने बताया कि उन्होंने बोनसाई ट्री के बिजनेस की शुरुआत आज से 10 साल पहले की थी। बोनसाई का मतलब बौने पौधे या काष्ठीय पौधों को छोटा आकार और आकर्षक रूप प्रदान करने की एक जापानी कला या तकनीक है। इन छोटे छोटे पौधों को गमलों में या फिर किसी पॉट में उगाया जा सकता है। इसका चलन भारत में काफी तेजी से बढ़ा है। पूर्णिमा के पास बाजार में उपलब्ध सभी बोनसाई से अलग ट्री उपलब्ध हैं। सभी बजट के बोनसाई उनके पास हैं। उनकी शुरुआत को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। फिर दूसरा, मार्केट में जो ऑलरेडी बोनसाइज हैं, जो कुछ भी नहीं है, बस एक बड़े पेड़ को बोनसाई बोल के बहुत ज़्यादा कीमतों पे बेचते हैं, इन्हें लोगों की उस मेंटालिटी को दूर करना, मार्केट में खुद की एक पोजीशन बनाना, तो और बजट बोनसाइज जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो लोगों तक पहुँचाना मेन ये था, जिसमें कि आदित्य के सहयोग से काफ़ी पिछले 3 सालों से हमने इसे भारत के हर कोने में पहुँचाया है। रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा है, मतलब हमें भी आश्चर्य था कि इतने ज़्यादा बोनसाई के शौकीन लोग हैं, क्योंकि आजकल बालकनीज में अधिकतर जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं मेट्रोज में, उनके पास स्पेस काफ़ी कम है, और लॉकडाउन में गार्डनिंग का जो एक ट्रेंड चालू हुआ है उसमें बोनसाई का बहुत अच्छा डिमांड भी आ रहा है सामने। बोनसाई ट्री वाले गमलों में उद्यान की मिट्टी, पत्ती की खाद, बालू और रेत की बराबर मात्रा मिलाकर मिश्रण तैयार करना होता है। फिर इनकी पतली शाखाओं को तांबे और एल्यूमिनियम के तार के जरिए निश्चित दिशा दी जाती है। इसे रखने और फिर सहेजने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। सर, बोनसाई ट्री बेसिकली जो रहते हैं उनको बौना पेड़ यहाँ पे कहा जाता है यूजुअली। बहुत सारे लोग उसको घर में रखते भी हैं अच्छे तरीके से। इनकी मेंटेनेंस ज़्यादा एज सच कुछ नहीं होती है, बस जब इनकी प्लांटेशन होती है तब हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मेडिकेशंस का, और जब उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उनके हर 1-2 महीने की आड़ में इनकी कटिंग होती है। वो चीज़ें बस इनकी मेंटेनेंस रहती है, उससे और कुछ नहीं। तो अपन नर्सरी में किस तरह से इसको लाते हैं या फिर कैसे? ये सर नर्सरी में बाय कंटेनर हमारे पास आते हैं, उसके बाद इनकी 6 महीने की क्वारंटेशन पीरियड होता है। जैसे कि बाहर से कुछ भी चीज़ें अभी इम्पोर्ट होती है उनको 10-15 डेज क्वारंटेशन में रखा जाता है, वैसे इसकी क्वारंटेशन 6 मंथ्स की होती है। उसके बाद फिर इनकी वापस रीग्रोथ होती है, फिर इनको सेलिंग के लिए निकाला जाता है। बीते कुछ वर्षों में भारत में बोनसाई ट्री के प्लांटेशन और बिजनेस में काफी इजाफा देखा गया है। ऐसे में लोगों को यह कमाई के साथ साथ प्रकृति से जोड़ने का भी एक अवसर प्रदान करता है। रितेश तंबोली, ETV भारत, रायपुर।